देखो भाई, भाई विराट कोहली जा रहे हैं लंबोर्गिनी में, वो देखो ग्रीन कलर की लंबोर्गिनी, आवाज सुनो भाई। ओ माय गॉड भाई क्या लग रही है भाई। भाई विराट सर से ना फोटो करवा लेते हैं भाई। पहली इंडिया की पहली बाइक है भाई। लो बाइक हमारी नीचे आ रही है, अलॉय चले गया भाई, धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता थोड़ा, ये सीन है। गाड़ी चेक करो भाई, अभी भाई खींचेंगे, आवाज सुनना भाई गाड़ी की, भाई आवाज सुनो भाई गाड़ी की। भाई इसके अंदर विराट कोहली सर बैठे हुए हैं, लेने आए थे 6R 13,29,000। हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज HSB, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस फाइनली आज हमें अपनी ZX10R पे, और गाइस आज का सरप्राइज खतरनाक है, आपको थंबनेल में पता लग गया। एक और सुपर बाइक अपने गैराज में आने वाली है जो कि ZX6R, जो कि न्यू वर्जन है भाई। उसके ग्राफिक्स मुझे बहुत सुंदर लगे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सुंदर लगे हैं। अपने 10R भी उस कलर में आई है भाई, मैं सोच रहा हूँ रैप भी करवा दूंगा। ये देखो ये आग लग गई थी भाई जंगल सवारी में, रजौरी गार्डन में। ये देखो भाई, आपने वीडियो देखी होगी, लोग कूद कूद के निकल रहे थे भाई, पूरा खत्म हो गया। आज जा रहे हैं नारायणा शोरूम में कावासाकी के, कौन सी बाइक देख रहे हैं, ZX10R। अपने भाई पीछे बैठे हुए भाई रंधावा साहब, ले रहे हैं ZX6R। भाई भाई भी व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है बहुत जल्दी, भाई को मैंने इतनी बार पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ भाई कर ले स्टार्ट कर ले, भाई इतना आलसी है ना, कुछ भी करके राजी नहीं है भाई, कोई भी काम दे दो कहता भाई नहीं, इसको सोना पसंद है भाई, सिर्फ सोना और खाना, और घुमा दो इसको लड़कियों के साथ में, इसको भाई कोई शौक नहीं है कोई काम करने का कुछ। मैंने कहा भाई इतना बड़ा तो ये सपोर्ट मिल रहा है तो कर ले, भाई करता ही नहीं है। 6R देखने के लिए जा रहे हैं आज, तो भाई 10R जैसी लगती है प्रॉपर, बहुत सुंदर बना दी है इन्होंने ना, जो 6R है बहुत सुंदर बना दी है, वही देखने के लिए जा रहे हैं। और बाकी देखेंगे कि आज ही बुक करवा देंगे भाई, बुक आज ही करवानी है बाइक, फिर आज ही करवानी है, सरप्राइज है भाई। देखो हमें बता रहा है कि सरप्राइज है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मज़ा आने वाला है, सच में कह रहा हूँ भाई, सीरियसली मज़ा आ जाएगा भाई तुम्हें। ये देखो भाई ये वाली दुकान, यार भाई खड़े ही नहीं है मेरे ख्याल से, बैठे या नहीं बैठे, बैठे हैं, देखिए आगे जाके करेंगे अब कैमरा ऑन। तो यार मिरर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो गाइस मिरर देख रहे हो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। आज गाइस जाया जा रहा है नारायणा, सर्विस के लिए बाइक जा रही है, अपना पता नहीं इस टाइम करेगा नहीं करेगा, मुझे एक्चुअली नारायणा में कुछ काम है तो मैंने कहा वो भी निपटा लेंगे, साथ में बाइक की भी ना सर्विस भी करवा लेंगे, क्योंकि मैंने थ्रॉटल बॉडी वगैरह ना बाहर से ही क्लीन करवा दी थी मासूम की शॉप से, करोलबाग से। यहाँ पे ना कंपनी में थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं और टैक्स वगैरह भी लेते हैं, जॉब कार्ड खुलवाओ, और गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम बहुत देते हैं भाई, अभी भी देख लेंगे भाई इंजन ऑयल वगैरह चेंज कर देंगे, ठीक है यार से करवाऊंगा मैं, क्योंकि यार देखो हमें तो नॉलेज होगी, काफ़ी टाइम से बाइक चला रहे हैं, बस यही है कि एक रिकॉर्ड के अंदर नहीं आता। बाकी मैं बताऊं गाड़ियां हो गई बाइक्स हो गई, मैं सर्विस बाहर से करवाता हूँ, अपने आप को नॉलेज आए तो बस इंजन ऑयल डलवा लो आप कंपनियों से, इंजन ऑयल डलवा के आपका कंपनी रिकॉर्ड के अंदर चढ़ जाएगा कि भाई आपकी सर्विस कितने किलोमीटर्स पे हुई है, और रिकॉर्ड भी रहेगा। बाकी भाई बाकी चीज़ें बाहर से करवा दो, मैंने तो भाई थ्रॉटल बॉडी बाहर से क्लीन कराई है, कंपनी से करवाता हूँ तो भाई 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाने के, 5,000 किलोमीटर के बाद गंदी हो जाती है, ये तो भाई 3,000 के बाद ही मिसिंग करने लग जाती है, तो वही है 4-5 हज़ार किलोमीटर पर करानी पड़ती है। बाहर से करवाओ तो भाई कुछ भी पैसे नहीं लगते, आधे पैसे लगते हैं, जितने कंपनी में लगते हैं उससे आधे पैसों में बाहर से हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब मैकेनिक जो है वो सही हो। भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, पर वही है राइडिंग का टाइम आ चुका है, क्योंकि भाई गर्मियों में तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, बाइक्स बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी, बट अब जो सा मौसम है ना ये वेदर विंटर्स का, भाई ये सुपर बाइक चलाने का वेदर आ चुका है, और बहुत सेल होती है इस टाइम सुपर बाइक्स, गर्मियों में लोग बेच देते हैं और विंटर्स में खरीद लेते हैं भाई, विंटर्स में बहुत ज़्यादा बाइक्स खरीदते हैं भाई, लोगों के रिएक्शन देखने वाले हैं। टाइम है बाइक चलाने का भाई, संडे राइड भी करेंगे, ठंड में जितना मज़ा आता है ना बाइक चलाने का, सीरियसली भाई हम स्टंट राइडिंग भी करते थे ना बहुत मज़ा आता था भाई, बैटरी का बड़ा सीन है इसके अंदर, बैटरी लो हो जाती है ठंड में ना बाइक नहीं स्टार्ट होती, नई बाइक है ब्रांड न्यू, मैं बाइक चलाता नहीं हूँ अभी भी ना धक्का मार के स्टार्ट करा इसको नई बाइक को। बाकी आवाज़ देखो भाई कितनी बढ़िया आ रही है, अभी बाइक मैं स्लो ही चला रहा हूँ, आगे जाके थोड़ा खिंचा मारेंगे। ओ यार फ्यूल भी नहीं है भाई, देख लो साइन आ रहा है भाई, जब भी कोई भी गाड़ी लेके निकलूँ ना भाई, मैं पोलो निकाल ली उस दिन पोलो में पेट्रोल डलवाया, क्रेटा निकाली उसमें तेल डलवाया, BM निकालो उसके अंदर तेल डलवाऊँ, अब भाई अभी तो भूसा नहीं निकाली, भूसा में भी फ्यूल नहीं है सच बताऊँ तो, भाई जो गाड़ी को पकड़ो खर्चा स्टार्ट, भाई इसमें अब तेल डलेगा 1,000 रुपये का इसमें डलवाऊँ, जब निकलेगी ना 1,000 रुपये का तेल खाएगी ये, भाई बहुत महंगी चीज़ें हैं यार सच में, बहुत एक्सपेंसिव है, लोग ले लेते हैं भाई, हमें पता है कि हमने ले लिया, चलाते वक्त भी ना सोचना पड़ता है, सीरियसली बता रहा हूँ, सुपर बाइक्स भाई बहुत बहुत एक्सपेंस है भाई, इन बाइक्स के ना बहुत एक्सपेंस है, अभी देखना आवाज़ सुनना आप, रिएक्शन देखो भाई के, रिएक्शन देखो, खुश हो गया लौंडा। इसकी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, इसका ना पहला गियर बहुत लंबा जाता है यार,
भूसा बस है ना 80 पे शोर मचा देती है, 70-80 पे। ये साला पहला गियर इसका 160 जाता है तो ये शोर नहीं मचाती, बहुत लंबा गियर चले जाता है तो रोकनी मुश्किल हो जाता है इसको। इसलिए मैं पहले का ना ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, दूसरा डाल देता हूँ पहले इस पे। इस बाइक चलाने में यार बहुत मज़ा आ रहा है सच में। मैंने कपड़े ना फुल स्लीव्स के पहने हुए हैं, ग्लव्स नहीं पहने बस, बाकी बहुत मज़ा आ रहा है। बाइक के मिरर्स लगा के कैसी लग रही है बाइक एक बार कमेंट करके बताना। चलो यहाँ से ना ज़्यादा बातें नहीं करते, खींचते हैं नारायणा की तरफ, फिर करेंगे कैमरा ऑन। कावासाकी में जाके भाई आपको ना ZX6R दिखाते हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अभी आई है 2024 के अंदर। लॉन्च इन्होंने जनवरी में करनी थी बट वो ये इन्होंने दिसंबर में ही कर दी। जो न्यू शेप है मतलब न्यू ग्राफिक्स आ चुके हैं, ये वाली बाइक पे बिल्कुल न्यू ग्राफिक आ चुके हैं और भाई मुझे बहुत सुंदर लगे हैं। ये देखो मेबैक खड़ी हुई है, सुंदर लग रही है, मेबैक भी बहुत सही लगती है मुझे यार, पर वो ये ना लंबी बहुत ज़्यादा है। चलो ना फ्यूलिंग करवा लेंगे, फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है भाई मेरी 10R में। पेट्रोल 95 रखा ही नहीं है। अरे यार लो हमने फ्यूलिंग करवा दी अपनी 10R के अंदर, लाओ भाई स्कैनर दो। फ्यूलिंग करवा ली है गाइस, देखो बत्ती भी जा चुकी है भाई। इसका ना एक बहुत माइनस पॉइंट है, पता नहीं लगता कि फ्यूल कितना है, सिर्फ पेट्रोल जब रिजर्व रहता था ना उसके बाद भाई। ये देखो बहुत टाइम हो गया, हायाबुसा भी नहीं इधर लेके आए, हायाबुसा को भी सर्विस करवानी है, पेंडिंग पड़ी हुई है, टाइम नहीं लग रहा भाई आने का। ये डुकाटी का शोरूम है, अब भाई विचार बना रहा हूँ मैं डुकाटी लेने का भाई। नीचे कमेंट करो डुकाटी ले ली जाए, आप कहोगे तो भाई डुकाटी ले लेंगे एक बार ना, शौक उतार ही ले लेते हैं। BMW ये भी आपके भाई ने बाइक लेके बेच दी, BMW 1000 RR। अब भाई डुकाटी का थोड़ा सा भूत चढ़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ एक बार ना ट्रैक पे लेके जाऊँ ये भाई। अब आएगा कावासाकी का शोरूम भाई, देखो भाई यहाँ पे भी काफी बाइक्स खड़ी हुई हैं। 6R देख लेते हैं भाई। लो जी गाइस सामने ही खड़ी हुई है भाई 10R और मेरे ख्याल से कोई डिलीवरी हो रही है शायद। भाई हम आ चुके हैं वेल दिल्ली कावासाकी, बाइक चेक करो भाई अपनी कितनी सुंदर लग रही है, खड़ी कर दी अपनी 10R और गाइस अंदर जा रहे हैं 6R के लिए। यहाँ पे डॉग भी सोया हुआ है, देखो भाई ठंड हो गई है, सबको डालो भाई। 6R खड़ी हुई है, मेरे ख्याल से डिलीवरी हो गई है इसकी। और सर क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। 6R बिक गई है क्या? वो खड़ी हुई है जो राती बुकिंग पर है, वो बुकिंग पे आई थी। अच्छा डिलीवरी की है। अच्छा अच्छा मैं 6R के लिए आया था, है नहीं अवेलेबल नहीं अपने पास, वेटिंग पर आ रही 6 महीने की। अब बाप रे, इसमें 2.5 महीने की होती है, 2-3 महीने की। अब क्या की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही, दिन में एक ही मैन्युफैक्चर कर पा रही कंपनी। अच्छा इसलिए भी कंपनी ने क्लोज की। कितने की आ रही है न्यू ये ऑन रोड? ऑन रोड कितने की आ रही है दिल्ली रजिस्ट्रेशन? कितने की? 13 लाख। पूरे 13 की? पूरी 13 की आ रही है। 13,29,000 समझ गया। मैंने 10R ले ली थी, अब 6R लेनी थी छोटे भाई ने, मैंने कहा देख आते एक बारी। आपके पास आया तो था, भूल गए हो मेरे ख्याल से, याद है हरप्रीत? हाँ याद है आपको। अच्छा 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 नहीं बढ़िया यार, गाड़ी अच्छी लग रही है यार 6R को। भाई डिलीवरी हो चुकी है 6R की, भाई देखो कितनी सुंदर लग रही है 6R यार। ये चीज़ मुझे 10R से बड़ी लग रही है ना, ये चीज़ बड़ी लग रही है, अच्छी लग रही है यार भाई। 636 cc की है, बहुत सही लग रही है भाई। लेने आए थे 6R, 6 महीने पहले से बुकिंग करवाई हुई है, आ भी नहीं रहे थे ये ग्राफिक्स, ये अभी आए हैं आपको पता है दिसंबर में लॉन्च हुए हैं। नहीं तो मैंने भी यही वाले ग्राफिक्स लेने थे 10R के अंदर। भाई देखो कितनी सुंदर लग रही है बाइक, और अपनी बाइक के आपको पता है भाई अभी अभी स्टार्ट करके लाए थे, और भाई अपनी बाइक ना फ्रंट से देखो कैसी लग रही है, ऐसा कुछ सीन है अपनी 10R का। और भाई कलर में कुछ फ़र्क नहीं है, बस वही है कि हमें थोड़ा सा ना इसके अंदर जो चीज़ लग रही है ना ग्राफिक्स बहुत चेंज कर दिए हैं। और 10R जैसा ही मीटर है इसका, आप देखोगे तो ये देखो भाई मीटर वगैरह अपनी 10R जैसा ही है। बाकी पीछे से मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये, क्योंकि काउल मेरी 10R का थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है काउल, और सुंदर लग रही है। बाकी तो यार कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अच्छी लग रही है काफ़ी बाइक। ला मैं लेने आया था एक्चुअली 6R, पर भाइयों ने पहले ही डिलीवरी ले ली। कर लो बाइक हमारी नीचे आ रही है, और ये देखो भाई, भाई ये चेक करो ZX10R अपनी आ चुकी है सर्विस के लिए, फर्स्ट सर्विस के लिए भाई चला रहा है। भाई बाइक देखो कितनी सुंदर लग रही है, भाई देखो कितनी प्यारी लग रही है, आवाज़ सुनो यार भाई। ये मैंने शॉर्ट कैन लगवाया ना, बहुत सुंदर आवाज़ होगी। थ्रॉटल थोड़ा ज़्यादा करो, ये देखो भाई बाइक देखो यार आपके बाइक की कितनी सुंदर लग रही है, देख रहे हो भाई गुरुकुल का बच्चा। और भाई यहाँ पे ना 4RR भी खड़ी हुई है भाई, 10 लाख की आ रही है, हेवली न्यू, ये पहली इंडिया की पहली बाइक है भाई, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। देखो 4RR वो अपनी खड़ी हो गई है। अब भाई वो चेक करने वाले हम बैटरी वगैरह के लिए, क्योंकि बाइक मेरी बंद हो रही थी इसलिए। कर रहे हैं मीटर लगाकर कि बैटरी का क्या फॉल्ट है, क्योंकि भाई बाइक ना स्टार्ट नहीं होती, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है कि भाई स्टार्ट तो होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मीटर में भी बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं, बट यही है कि भाई स्टार्ट के नहीं होती, भाई धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता, थोड़ा ये सीन है। अभी सर हमें बताएंगे ये बाइक का फॉल्ट है भाई, ये कावासाकी में है, हायाबुसा में आज तक दिक्कत नहीं आई, BMW में एक बार भी दिक्कत नहीं आई। लो जी गाइस बैटरी निकाल चुके हैं,
अब ये चार्जिंग में लगेगी। लॉजिक गाइस चार्जिंग पे लग चुकी है अपनी बैटरी, ये देखो। अब कल आके इसको लेके जाएंगे अपनी बाइक को जो यहाँ पे खड़ी है, आज इसको यहाँ पे खड़े रहने देंगे क्योंकि 3-4 घंटे लगते हैं चार्जिंग पर। लो बाइक हम छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, और भाई ये देखो यहाँ पे भी टैनर खड़ी हुई है। ये देखो भाई टैनर का अलॉय चले गया, भाई देख लो टैनर का अलॉय चले गया, देख लो भाई। और अपनी हमने टैनर यहाँ खड़ी कर दी बाइक, छोड़ के जा रहे हैं बाइक को। चलो गाइस निकलते हैं और यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। बैटरी हमारी चार्जिंग पे लग चुकी है, टाइम बहुत हो चुका भाई, 6 बज चुका। चलो गाइस निकलते हैं फटाफट बाइक को खड़ी करके।